कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोगरा फाटक के समीप चेकिंग अभियान के दरमियान एक स्कॉर्पियो की जांच की गई। इसी दरमियान उस स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई, साथ ही 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों ने खुफिया तरीके से शराब की तस्करी कर रहे थे। स्कॉर्पियो के कई हिस्सों में तस्करों ने अलग अलग जगह पर शराब छुपाए हुए थे, लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि वाहन के सभी सीट के अंदर एक फ्रेम बनाकर शराब को छुपाया गया था। साथ ही वाहन के इंजन वाले बोनेट में भी शराब बरामद की गई। SDPO अमरकांत झा ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन तीनों तस्कर नव वर्ष में शराब को खपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस के चौकसी के कारण तीनों पकड़े गए। तीनों के पास से लगभग 162 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। इन तीनों शराब तस्करों में से मिथिलेश कुमार और धर्मेंद्र मंडल खगड़िया जिले के रहने वाले, जबकि लूटन सहनी बेगूसराय जिले के रहने वाले। फिलहाल पुलिस ने तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि नववर्ष को लेकर बंगाल के रास्ते बिहार के अन्य जिलों में यह शराब ले जाया जा रहा था। BT न्यूज बिहार के लिए कटिहार से सुंदर कुमार की रिपोर्ट। वेरी गुड। एक साल यदि जेले जाकर गौर कीजिए, आप देखिएगा रिप्लाई चीट करके पैसा बना रहा है। हमको एक बात बताइए, एक बात बताइए ना, आप लोग स्कॉर्पियो में ले जाए, पुलिस कहाँ कहाँ जाएगी? पुलिस कहाँ कहाँ सब सामने दे रहे, सामने है, आइए आगे, सामने आइए, आइए ना भाई, आगे ना, आगे विभिन्न सीट में दोनों तरफ गाड़ियाँ सभी गेट में विशेष पंचिंग के द्वारा करेगी पुलिस किस तरह के? हाँ हाँ, यह हमेशा आया है, क्योंकि जो अभी शराब है उस पर काफ़ी मार्जिन है अदर स्टेट से लाने के लिए, इसलिए जो इसके तस्कर हैं, जो इसके व्यवसायी हों, विभिन्न तरह के अपनाते हैं, कभी टैंक लोरी में लाते हैं, कभी गाड़ी में छुपा करके अलग अलग डिफरेंट तरीका से लाते हैं, और हम लोग उसी हिसाब से दिमाग लगा के इनको पकड़ते हैं।